नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं सरकार बना के आ गया। जी हां, खुद देख लीजिए, आज मैं सरकार बना के आ चुका हूं। मैंने अपना वोट दे दिया है और मेरी जो है उंगली पे नीली स्याही लग गई है। इवन मेरी सफ़ेद टी शर्ट भी अब नीली हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। लेकिन वहीं उल्टा हो गया कमलनाथ के साथ। कमलनाथ जो कि कांग्रेस के नेता या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके साथ चोट हो गई। चोट ये हुई कि वो भी गए थे वोट डालने। जब वो वोट डालने गए और उन्होंने वोट डालने के लिए कमरे में एंटर किया तो लाइट गोल हो गई। फिर उनका कहना है कि कैमरे की लाइटिंग पर उन्होंने जो है वोट डाला और कैमरे की लाइटिंग करके वोट डालने पे वे सक्षम हुए। और फिर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भाजपा वाले नहीं चाहते कि मैं वोट डालूं या जीतूं या मैं वोट डाल पाऊं, और ये उन लोगों ने बंद करवाया है या उन लोगों ने कारस्थानी की है। अब आप खुद सोचिए भाई, सरकार कमलनाथ की, मंत्री कमलनाथ के, विधायक कमलनाथ के, इवन पुलिस भी कमलनाथ की। इवन आपने सुना होगा अभी पिट्टू कलेक्टर वाला बयान दिया था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि कमलनाथ के जो है कांग्रेस के पिट्टू कलेक्टर उनका जो है हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रहे थे एक जगह, तो उन्हें कार से जाना पड़ा। तो कलेक्टर भी इनके, लेकिन लाइट जो है वो भाजपा की हो गई। वह वैसे मैं आपको बता दूं कि भाजपा के राज में लाइट गोल नहीं होती थी। भाजपा के राज में जो है अटल ज्योति अभियान के तहत 24 घंटे लाइट देने का प्रावधान था, लेकिन कांग्रेस के आते ही लाइट गोल होने लगी है। और ये आभास कमलनाथ को जब हुआ जब वे वोट करने अपने जो है सेंटर पे गए हुए थे और वहाँ लाइट गोल हो गई, क्योंकि कमलनाथ के ऑफिस और बंगले में तो लाइट गोल होती नहीं है। वीआईपी एरिया में और वीआईपी ऑफिस में जो है बिजली 24 घंटे उपलब्ध करवाई जाती है, उनके लिए अलग से बिजली के प्रावधान होते हैं। तो कमलनाथ को थोड़ी पता होगा कि लाइट गोल हो रही है एमपी में, वो तो बाहर निकले वोट देने तब पता चला। तो कमलनाथ जी उल्टा बीजेपी को दोष देने लगे, तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या घनघोर घोटाला चल रहा है लाइट वाला और बीजेपी को टारगेट करने वाला, आप सोच सकते हैं। वैसे अब जब मध्य प्रदेश में अभी जो आज मतदान हुआ, इवन राजस्थान में भी हुआ, तो आज मध्य प्रदेश के मतदान में 70% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। उसके मुताबिक जो आप जो भी अभी आंकड़े आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, तो भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। जिस दिन भाजपा की सरकार बन गई 23 मई को उस केंद्र में, तो कांग्रेस की भी सरकार गिरना तय है। कांग्रेस की सरकार गिर सकती है क्योंकि कुछ विधायक जो है वो बागी हो चले हैं। और उसके बाद फिर जो है कमलनाथ को लाइट की समस्या नहीं होगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि भाजपा का अटल ज्योति अभियान दोबारा आ जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने वोट नहीं किया है और आपकी डेट बाकी है तो कर दीजिएगा, मैंने तो कर दिया।